हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए 2023 में धनात्मक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ समय कौन सा है। देखिए, पैसा इस दुनिया में बहुत जरूरी है। यस्य टका नास्ति सः टकटकायते। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन आपको नौकरी नहीं मिली तो फिर आपका जो फोर्थ क्लास कर्मचारी है वो भी आपसे बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पैसा इस दुनिया में, महाराज बोलता है, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। जो जीवन के तीन और पुरुषार्थ हैं ना, वो इसी से चलते हैं, चाहे धर्म हो, चाहे काम हो और चाहे मुक्ति की बात हो। आपको पैसा हर जगह लगेगा, पैसे अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि 2023 में कौन सा बेहतर समय है जो हमें पैसा देने वाला है। तो देखिए, आपके लिए कुंडली में 17 जनवरी 2023 को स्टार्टिंग में ही शनि महाराज आपके लिए सस नामक पंच महापुरुष योग में से जो योग राजयोग है उस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो कोई संदेह नहीं, कोई सुबह नहीं कि आपके लिए सस योग ना बने। पूर्णतः आपके कुंडली में सस योग क्रिएट हो रहा है। अब आपके कुंडली में शनि महाराज अगर बढ़िया पोजिशन में, उच्च के पोजिशन में स्वग्रही हैं, मित्र ग्रह में हैं, तो यह सस योग 2.5 वर्ष में आपको सब कुछ प्रदान करके जाएगा। कोई संदेह ही नहीं है कि आपको ना मिले, निश्चित रूप से मिलना तय है। महादशा अगर अंतर दशा सपोर्ट कर रही है, डेफिनेटली मिलेगा। तो आपका व्यापार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके जो धन के स्वामी हैं, धन के जो कारक आजकल हैं वो शुक्र है, चंद्रमा है, लेकिन धन के आपकी कुंडली में जो स्वामी हैं, लाभ के स्वामी बुध हैं और बैंक में जमा करने के स्वामी बुध हैं। तो बुध आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह जो दो दो पार्टों को एक साथ देख रहे हैं। बुध मतलब बुद्धिमान, बुध मतलब वे ऑफ टॉकिंग, बुध मतलब नेटवर्किंग। तो आप अपनी नेटवर्किंग क्षमता को बना के रखिए। बुध मतलब वार्तालाप में कुशल, बुध मतलब मीडिएटर, दलाल। ये सारे काम आपको इस वर्ष थोक मात्रा में पैसे दे के जाने वाले हैं। अब ऐसे स्टार्टिंग आपकी कब हो रही है? तो देखिए, स्टार्टिंग आपको 27 फरवरी से हो रही है। 27 फरवरी से क्यों हो रही है? 27 फरवरी को बुध महाराज 4:55 पे सायंकाल आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तमेश शनि के साथ रहेंगे। लाभ का स्वामी व्यापार के घर में, धन का स्वामी व्यापार के घर में, व्यापार का स्वामी स्वतः व्यापार के घर में। तो भाई तीनों मंत्री जो है इकट्ठा होके निर्णय ले रहे हैं कि इस व्यक्ति को कहां से कैसे कब कितना पैसे दिए जाए। तो श्रेष्ठ समय होगा आपके धन प्राप्ति के लिए। स्टार्टिंग में ही श्रेष्ठ समय मिल रहा है। यहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में बुध और शनि की युति धन देकर जाने वाली है, धन देकर जाएगी। दूसरी युति आपके कुंडली में बनेगी जब आपके बुध महाराज मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये लाभ से लाभ में होंगे, लाभ से एकादश होंगे। तो मेष राशि में 31 मार्च के बाद आपके लिए बेहतरीन स्थिति बनेगी। फिर तीसरी स्थिति बनेगी आपकी कुंडली में 24 जून को, जब ये अपने ही घर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। एक बेहतरीन अवसर होगा यहाँ पे कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाने का। देखिए, पैसे तो आप कमा ही लोगे महाराज। दुनिया में कभी भी कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहे तो पैसे कमा ही सकता है। कुछ काम करना शुरू करिए, न ज्यादा सही, लेकिन पैसे तो मिलेंगे आपको। पैसे काम करोगे तो पैसे मिलेंगे। हाँ, अब कम काम करके ज्यादा पैसे कमाने की बात है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको टेक्निकल ढंग से यदि आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे अधिक मात्रा में लाभ होगा। इसके बाद एक श्रेष्ठ समय आपकी कुंडली में आएगा 1 अक्टूबर से लेके पूरा 19 अक्टूबर तक। जब तुला में भी जाएंगे तो बेहतर परिणाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे बेहतरीन अवसर है धन अर्जन के लिए, धन कमाने के लिए। शनि और बुध आपके कुंडली में धन देने वाले ग्रह हैं, अतः शनि का मतलब सेवा, बुध का मतलब टेक्निकल ढंग से सेवा। बातें यहाँ थी पाइए, बातें यहाँ थी पाओ। आप बात के अगर धनी हैं तो पैसे की आपको कमी नहीं है। अगर बात के धनी नहीं है तो फिर आपके लिए संबंध भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। क्या लगता है मीठी बातें बोलने में? दो शब्द मीठा बोलिए ना। लोग कहते हैं मेरे हृदय बहुत अच्छा है लेकिन जुबान कड़वी है। आपकी जुबान अच्छी होनी चाहिए, हृदय को कौन देखता है? हृदय को तो आप खुद भी नहीं देख पाते। हम तो बस बताते हैं कि मेरा हृदय बहुत अच्छा, आपका हृदय कौन देखता है जी? आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जग आपन कर ले। तो अगर यदि आप मीठी वाणी नहीं बोल सकते तो फिर आपको हृदय तक देखने कौन जाएगा? इसलिए वाणी में मिठास रखिए, वाणी को वीणा बनाइए, वाणी को वाण मत बनाइए, नहीं तो आप
पिछड़ जाएंगे। ये समय आपके लिए श्रेष्ठतम समय है धन कमाने के लिए। शुक्र महाराज भी आपकी कुंडली में कर्म के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, वो भी धन देने की स्थिति कर रहे हैं, तो 22 जनवरी को ही कुंभ में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 6 अप्रैल को अपनी ही राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, ये भी आपको धन देने के लिए श्रेष्ठ समय है। तो चलिए, लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, ऐसी मंगलमय शुभकामना आपके लिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता दी।